सभ्यता की शुरुआत से ही इंसान शक्ति की तलाश और ताकत की तमन्ना करता रहा है, और अगर वो शक्ति चमत्कारी हो, दिव्य हो, रूहानी हो, तब तो उसको हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दैवी शक्ति की तलाश में आदमी पहाड़ों, नदियों, जंगलों और गुफाओं में सालों साल भटकता रहा है, नेक इरादों के साथ भी और बुरे इरादों के साथ भी। और इतिहास गवाह है कि इंसान के इस जुनून ने ऐसी शक्तियां हासिल भी की हैं, क्योंकि ऐसी शक्तियों का वजूद शायद हर दौर में रहा है। अगर रामायण और महाभारत के वक्त की कहानियां और चरित्र सच है, तो ऐसी अद्भुत दिव्य शक्तियों का होना भी सच है, और इसका सबूत हमें आज भी दुनिया की कई जगहों पर मिलता है। ये कहानी ऐसी ही एक शक्ति, महाभारत युग के एक ऐसे दिव्य अस्त्र की तलाश की कहानी है, जिसे पाने का मतलब है आज और कल, यानी वर्तमान और भविष्य पर पूरा नियंत्रण। इस अस्त्र की जानकारी एक नक्शे में दर्ज है। क्या है यह नक्शा और क्यों है यह तलाश और किस किस को है? इन सवालों का जवाब शायद हर पल सिर्फ तेजी से गुजरते हुए वक्त के पास है। Thank you.
यातसि ही ध्रुवो मृत्यु। इंसान जितना भी क्यों ना भागे, मौत से नहीं बच सकता प्रोफेसर। अब मौत से बचने का तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मैं। और मैं तुम्हारी मौत नहीं चाहता। आखिर हम दोनों आर्कियोलॉजिस्ट हैं और हमारी मंजिल भी एक है, सिर्फ मकसद अलग। जो शक्ति तक ये नक्शा हमें पहुंचा सकता है, उसे तुम दुनिया के सामने पेश करके एक नई तारीख लिखना चाहते हो, और मैं उसी शक्ति से दुनिया को अपने कदमों में झुकाकर अपनी तकदीर लिखना चाहता हूं। नक्शा, मुझे तो तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। भगवत गीता में लिखा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद कलयुग आ गया, और इस कलयुग में हम इंसानों ने पूरी कोशिश की उस वक्त के रहस्यों को जानने की। अब समझ में आया कि कुछ रहस्यों को हमेशा रहस्य ही रहने देना चाहिए, और अगर मेरी तकदीर में आज की तारीख में मौत लिखी है तो अपनी जान दे दूंगा, लेकिन यह नक्शा तुम्हें देकर मैं आने वाले युगों का कल नहीं बिगाड़ूंगा। जिनकी मौत उत्तरांचल की पहाड़ियों में हुई, पुलिस सूत्रों के अनुसार एक हादसा था। उनका पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। उनके जानने वालों का कहना है कि श्री कपिल मल्होत्रा काफी समय से उत्तरांचल की पहाड़ियों में किसी खोज में लगे हुए थे। Rumba rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze, bend with me, swing with me, when you dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Mom! क्या है? Where's my shirt? बिस्तर पर है, काले बैग के पीछे। Oops. Sway with me. Ma! हाँ बोलो। Where's my jacket? सोफे पर है। Oops. Ma! अब क्या है? Mom, मेरी पैंट कहाँ है? लड़का भी ना।
माँ, where's my pant? ये ले. Stinky. पैंट तूने पहन तो रखी है. Oops. तू भी ना. मेरे बगैर तू कुछ नहीं कर पाता. बिल्कुल. 3 साल अमेरिका में तू वहाँ करता क्या था? वही जो आप मेरे बिना यहाँ करती थी. आपको बहुत मिस करता था माँ. अच्छा माँ, I'm getting late. लेट? माँ, घड़ी? ये ले. थैंक यू. कितनी अच्छी बात है ना, रतन अपनी शादी से पहले घर में पूजा रखवा रहा है. हाँ माँ, कितनी अच्छी बात है. आज रात वहां सिर्फ पूजा होगी और हम. Shake what's your mama.
शिवानी, तुम जो सोच रही हो ना, यहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी सब फ्रेंड्स ने कहा था कि तुम बैचलर पार्टी जरूर करोगे, लेकिन मैं कहती रही नहीं, मेरा रतन ऐसा नहीं है। हाँ। और आज ये सब, वो भी शादी से सिर्फ 15 दिन पहले। वो तो मैं लकी थी जो मैंने तुम्हारे मोबाइल में विकी का मैसेज पढ़ लिया। मोबाइल? अबे खोचू, तूने मैसेज डिलीट नहीं किया ना? शिवानी, फरीबा, तुम अपने होने वाले पति का फोन चेक करती हो? अबे, you should be ashamed of yourself। ये विकी, तू 2 मिनट चुप रहेगा प्लीज। ठीक है। बेबी, ये सब इसी का ही प्लान था। अबे, I swear, you know how much I love you यार। अगर रिया ने ये प्लान नहीं बनाया होता तो इस वक्त तुम किसी और के साथ। वाह। एक्सक्यूज मी, ये रिया कौन है? मैं हूँ रिया, इसकी कॉलेज फ्रेंड। तुम्हारी फ्रेंड स्ट्रिप डांसर है? हाँ। एक्सक्यूज मी शिवानी, तुम्हारी और ऐसी कितनी दोस्त हैं जो ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोफेशंस में? एक्सक्यूज मी, यस, मैं यहाँ स्ट्रिप करने तो आई थी, लेकिन अपने कपड़े नहीं, तुम्हारे इस प्लान को। शिवानी, मार्क माय वर्ड्स, ऐसे दोस्त से अच्छा है कि दोस्त ना हो। बाय रतन, जस्ट गो टू हेल। शिवानी, शिवानी, हेलो, बाय गाइस। शिवानी, मुझे कुछ नहीं, तू तो गया था। कुछ भी नहीं था शिवानी। क्या रहा था, रुकी ये पार्टी फिर से शुरू करें? You're so sick. Thank you. Hey, जा रही हो? अच्छा सुनो, अरे एसकी पूजा को तो भेजती जाओ। Yeah, hey, listen, तुम्हारे कोई दोस्त जो replacement, you know, the night is young, babe. Hey, how unprofessional, man. कल पूजा कैसी थी? अच्छी थी, बस थोड़ी जल्दी खत्म हो गई। मैडम, चोपड़ा जी आए हैं, उन्हें अंदर बुला लो। जी। चोपड़ा जी? ओह, वकील अंकल, आइए आइए। नमस्ते जी। नमस्ते। बैठिए। वो कल पार्टी बंगला देखना चाहती है, तो आप जाकर साफ सफाई करवा दें तो अच्छा रहेगा। अंकल, वो माँ को जाने की कोई जरूरत नहीं है, कल मैं देख लूंगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। माँ, तुम्हें वहां जाना अच्छा नहीं लगता ना? उनके एक्सीडेंट के बाद उस घर में कैसे रहती? माँ, डैड को गए इतने साल हो गए, लेकिन हमें आज तक नहीं पता कि ऐसी कौन सी चीज की खोज थी उन्हें जिसकी वजह से हमने उन्हें खो दिया। अपने जीते जी उन्होंने कभी किसी को अपने काम के बारे में पता नहीं लगने दी। मैं जब भी उनसे पूछती, आपको इतना यकीन कैसे है कि आपको अपनी मंजिल मिलेगी ही, तो वो हमेशा ऐसी ही एक तस्वीर की तरफ इशारा करके कहते, किशन भगवान की उंगली थाम कर ही अर्जुन ने धर्म पथ पर अपना पहला कदम रखा था। बेटा, जीवन में जब भी रास्ता धुंधला दिखाई दे तो भगवान की उंगली थाम कर ही इंसान को सही रास्ता मिलता है। तेरे पापा अक्सर यही कहा करते थे।
तेरे पापा अक्सर यही कहा करते थे। जीवन में जब भी रास्ता धुंधला नजर आए तो भगवान की उंगली थाम कर ही इंसान को सही रास्ता दिखता है। इंसान के सिर पे किसी लक्ष्य का जुनून सवार होता है, वक्त ऐसे गुजरता है पता नहीं चलता कि दिन सालों में कैसे बदल गए। अब मेरे बरसों की तलाश उस लम्हे के करीब है जब मुझे मेरी मंजिल मिलेगी। अब वो पल दूर नहीं जब मैं बरसों के इस सपने को सारी दुनिया और अपने परिवार के साथ बांट सकूंगा। क्या ये नक्शा, ये किताब, ये सब पापा के उस सपने की कड़ियां हैं जिसके बारे में उन्होंने माँ तक को कुछ नहीं बताया? ये तस्वीरें, ये संस्कृत में लिखे हुए ये श्लोक, कैर्मया सह याधव्य स्मिननरण समुद्य में, ये श्लोक तो महाभारत की किसी कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। अगर मुझे पता चले कि वो कौन सी कहानी है तो मैं अपने पापा के उस सपने के करीब पहुंच सकूंगा। सिर्फ एक अंदाजा मिल जाता कि शुरू कहां से करूं। तो ये तो अभिमन्यु का चक्रव्यूह है, महाभारत की लड़ाई, कुरुक्षेत्र। हो न हो पापा की तलाश भी वहीं से शुरू हुई थी, कुरुक्षेत्र। आज पहली बार मुझे पता चला है, एहसास हुआ है कि पापा का एक सपना था, एक ऐसी खोज का जो उनके जीवन के 25 सालों की मेहनत थी, वो सपना अब भी अधूरा है। माँ आज मुझे पहली कड़ी मिली है और मैं एक अनजानी मंजिल की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आज से पापा का वो अधूरा सपना मेरा है। मुझे मालूम है कि जिस सफर पर मैं जा रहा हूँ आप मुझे कभी नहीं जाने देते, इसीलिए बिना बताए ही आई एम सॉरी माँ, आई लव यू। दिल के दीवाने यार मंजिल के, हाँ मुसाफिर हम तो हैं
दिल के दीवाने यार मंजिल के, मोहब्बत की पनाहों में चले हैं ढूंढने मिलके। ओ यारा वे हमको अपनी चाहत का मिल जाए कहीं नक्शा, अरमानों की जन्नत का मिल जाए कहीं नक्शा। मंजिल हमारी है वहां तक जाना है, इरादा कर लिया जो भी हमें तो पाना है। गुलों को थाम के गली को झूम के, हवा के साथ में है चलेंगे झूम के। ओ यारा वे थैंक यू बॉस, मैं एक घंटे में आपके पैसे लौटा दूंगा। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, थैंक्स। हेलो, हाँ हाँ राहुल, हाय, मैं किशनगढ़ में यार, बस कुछ काम था। अच्छा सुन, मुझे अर्जेंटली कुछ पैसों की ज़रूरत है यार, $1,000 विल डू। थैंक्स मैन, मैं जल्दी लौटा दूंगा। हाँ यहाँ एक ब्रांच है एक्चुअली पास में। हाँ थैंक्स। अरे सुन, हाँ पागल, माँ को कुछ मत बताना। नहीं नहीं ओके बाय। गुड आफ्टरनून मैम। यस आई एम विकी मल्होत्रा, मेरे लिए मिस्टर राहुल खन्ना कुछ पैसे भेजने वाले थे न्यूयॉर्क से। आपके पास आईडी कार्ड है? ये चलेगा। श्योर, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ साइन कीजिए। श्योर। हैव अ नाइस डे। यू टू। आई विल। थैंक यू बॉस, ये लो आपके पैसे और ये आपके लिए छोटे नवाब। एक और फोन करता हूँ। हाँ, इससे पहले कि आप डांटना शुरू करें, मेरी एक बात सुन लीजिए प्लीज। आई मिस यू, आई लव यू। अब जी भर के डांटिए। हाँ मैं डांटूंगी, पहले तू ये बता तू है कहाँ पर? हाँ मैं किशनगढ़ में हूँ। और वापस कब आ रहा है? विकी? अबे विकी? क्या कर रहा है? अबे विकी? जल्दी से नक्शा निकाल। अबे सोच क्या रहा है, जल्दी से नक्शा निकाल और चुपचाप चल हमारे साथ। चल, नक्शा चाहिए ना तुझे? ये रहा, हिम्मत है तो छू के दिखा। अच्छा नक्शा मांग रहा था, मैंने उसका नक्शा बिगाड़ दिया। क्या समझे,
ए छोड़े, लाइफ में हमेशा एक बात याद रखना, एक टाइम होता है भागने का और एक टाइम होता है मर्द की तरह खड़े रह के लड़ने का। अबे खोचू, तू फिर आ गया, सुधरेगा नहीं ये। क्या हुआ? हो क्या कहा था तुझे छोटे? एक टाइम होता है भागने का और एक टाइम होता है खड़े रह के मर्द की तरह लड़ने का। ये भागने का टाइम है। मेरे बेटे को मारते रहे, वो लोग कौन थे, क्यों उसके साथ ऐसा कर रहे थे, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। उसके बाद से ना उसका कोई फोन आया और ना ही उसकी कोई खबर है। मैं पुलिस के पास भी गई थी लेकिन वहां मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। उनकी मौत के बाद विक्की मेरा सब कुछ, अगर उसको कुछ हो गया तो। देखो मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। हम दोनों के बीच हमेशा ही खामोशी रही है, शायद इस वजह से कि मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ। डिवोर्स की पेपर साइन करने के बाद भी उन्होंने हमेशा मेरी इज्जत की और तुमने भी। मुझे तुमसे और विकी से कभी कोई शिकवा था ही नहीं, लेकिन मेरे पास ऐसा क्या है जो तुम्हारे बेटे को बचा सके? आपका बेटा वीर, वीर एक फॉरेस्ट ऑफिसर है। विकी जिन जंगलों में गया है, वीर उस एरिया को अच्छी तरह जानता है। सिर्फ वो ही है जो मेरे बेटे को वापस ला सकता है। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। नक्शा, कागज का एक टुकड़ा जिसके लिए होंगे तेरे टुकड़े। अजीब बात है ना। ओए ओ भाई साहब, अगर आप सोचते हैं कि आपकी हंसी एकदम विलन टाइप है तो सॉरी बॉस, बिल्कुल गलत सोचते हैं। अबे इसे तो हीरोइन भी नहीं डरेगी, और मैं तो हीरो हूं, समझा? आइडिया, एक काम करते हैं, तू मुझे नीचे उतार, फिर मैं तुझे दिखाता हूं कि विलेन की एक्टिंग कैसे करते हैं। ए! ज्यादा सयाना मत बन, जब तक भैया नहीं आ जाते तू यहां से कहीं नहीं जाएगा, और एक बार भैया आ गए फिर तू सीधा ऊपर जाएगा, समझा? अबे हेयर स्टाइल संभाल यार, देखा यही तो प्रॉब्लम है। अभी जो तूने डायलॉग मारा, कितना घिसा पिट्टा ओल्ड फैशन है। एक बार भैया आ गए तो तू सीधा ऊपर जाएगा। अरे छोड़ना यार, आई एम अफ्रेड एक अच्छा कमीना बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कमीना? Thank you.
इतना कमीनापन ठीक था ना? ए खोंचू, एक बात बता, पकड़ते भी तेरे आदमी है, साला मारते भी तेरे आदमी है। अबे जब तू सुबह हल्का होने जाता है तब क्या धोते भी तेरे आदमी है? तेरी तो आसमान से या तो फरिश्ते आते हैं या तूफान। इसके लिए मैं फरिश्ता हूं, तेरे लिए तूफान। पहले तो वहां आपको देखकर मैं चौंक गया, फिर जब आप शुरू हुए तो मेरे दिल से एक ही बात निकली, थैंक गॉड। वैसे एक बात बताइए, वो अगर जमीन पे पड़ी हुई बंदूक अपने काम आ जाए तो उसे इस्तेमाल करने से मर्दानगी तो कम नहीं हो जाती ना? मर्दानगी बंदूक चलाने से नहीं होती, वैसे भी मुझे बंदूकों से सख्त नफरत है। और मुझे गोलियों से। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? बहुत खेल लिया जंगल में टार्सन टार्सन, अब घर जाने का वक्त आ गया है। देखिए मैं यहाँ घर वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन मैं तुझे ले जाने के लिए आया हूँ। देखिए आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू, लेकिन ये जाने बगैर कि वो उस नक्शे के और मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मैं घर कैसे जा सकता हूँ? फिलहाल तो पीछे पड़े हैं, दोबारा पकड़ लिया ना तो ऊपर उल्टा नहीं लटकाएंगे, सीधा ऊपर पहुँचा देंगे। मैं खुद को संभाल सकता हूँ, वो मैं देख चुका हूँ। देख बात समझनी हो तो बहुत आसान है, माँ ने मुझे भेजा है कि तेरा कान खींचकर तुझे सीधा घर वापस लाने के लिए। अब तेरे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तू प्यार से चल, नहीं तो मेरी मार से। अरे क्या कर रहा है? तीसरा रास्ता, तीसरा रास्ता नहीं है। नहीं अरे चेरी, चेरी, चेरी। अरे एक्सीडेंट, कहाँ ना वापस नहीं चल रहा। अरे ये वीर कहीं वीरगति को प्राप्त तो नहीं हो गए? हमें उस तरफ जाना है। हमें? अरे Thank you.
भैया भैया, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसे रोक ना सका। वो तूफान की तरह आया और उस लड़के और उस नक्शे को ले उड़ा। जिस रहस्य को पाने की खोज में पहाड़ी और वादियों में भटक रहा था, आज वो चलकर मेरे पास आया। तू उसे 20 घंटे भी संभाल नहीं पाया। अशोचित्वम प्रज्ञावादम समाचरित गतासु अगतासु न शोचयेत न शोचन्ति पंडिता। से कहा, जो संसार को छोड़कर चले गए बुद्धिमान मनुष्य उसका दुख नहीं मनाता। ढूंढो ढूंढो उन्हें। चुपचाप चल, नहीं तो मेरा हाथ चल। 100 बार कह चुका हूं मैं आपसे, मैं आपके साथ नहीं चलने वाला, जा रहा हूं मैं। अरे मैं थक चुका हूं तेरे से, चल। मैं नहीं सुनने वाला आपकी बात। आपको क्या लगता है जस्ट बिकॉज आपकी ये डोले शोले मुझसे जरा ज्यादा बड़े हैं और आप रैम्बो के घराने के लगते हो, आप ये मत भूलिए कि मैं भी उसी घराने का हूँ। इन रगों में वही खून दौड़ रहा है, दीज आर किलर हैंड्स। ओके, क्या देख रहे हैं? कितने मच्छर मारे हैं इसे? वेल एक्चुअली एक दिन में इज नॉट फनी। आपको लग रहा है मजाक कर रहा हूं मैं? अब तक तो आपका लिहाज कर रहा था मैं। अरे छोड़िए मुझे, हाथ मत लगाइए। अरे क्या करेगा? देखिए मुझे गुस्सा मत दिलाइए। क्या करेगा? मैं आपका लिहाज कर रहा हूं बड़े होने का। अरे क्या करेगा? हाथ उठ जाएंगे। अरे तो मारना। मार दूंगा मैं। मार, हाँ मार, मार, मैं, मार, मार, मार दूंगा मैं। मार, ये पड़ गई ना? हाँ? बस ये हल्का वाला था इसीलिए। तो भारी वाला मार। भारी वाला मार दूंगा। मार, पड़ जाएगी फिर। बोला नहीं मुझे? अरे मार, पड़ गई ना? कैसे लगा? अब तो उठा कर ले जाना पड़ेगा। अरे सब अमित जी की गलती है। जब से उनकी फिल्म अमर अकबर एंथनी का वो डायलॉग सुना है ना, एक मारा लेकिन सॉलिड मारा, हाँ, तब से खुद को एंथनी समझने लग गया। एक बात तो तुझे माननी होगी। क्या? तूने अमित जी का डायलॉग मारा लेकिन मैंने मुक्का मारा धर्म जी का। क्यों? जैसे कोलगेट के इश्तिहार का रिटायर्ड। कुछ कहा तूने? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है चल, चल ही तो रहा हूं। अबे रुक क्यों गया? जोर की लगी है। अरे धर्म जी का मुक्का जोर से ही लगेगा। अरे मैं वो वाली लगी की नहीं, समझिए ना, ये वाली लगी की बात कर रहा हूं। अरे हेलो, अरे अरे कहां जा रहे हैं आप? अरे हाथ, हाथ तो खोलिए, बहुत जोर से लगी है। हाथ नहीं खुलेगा। अरे तो मैं करूंगा कैसे? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है लेकिन हाथ नहीं खुलेगा। अरे ये क्या बात हुई? या तो हाथ खुली या फिर जिप। नहीं मेरा मतलब है, मैं सिर्फ खोले के लिए कह रहा हूँ। प्लीज देखिए आप मेरे हाथ खुल दीजिए, मैं खुद जाके कर लूंगा कोने में। ट्रेन स्टेशन से छूट गए तो गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज तुम्हारी प्रॉब्लम है। प्लीज प्लीज, अरे अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, प्लीज प्लीज रुक जाइए। अरे रुक यार, तू रुक। और संभाल के। अरे थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अरे निकल भाई, जल्दी निकल। वैसे अगर आप जरा हाथ देते तो आसान हो जाता। हाथ दूं? नहीं 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 नहीं, मैं खुद मैनेज कर लूंगा। लग गया निशाना, आजादी। वैसे एक बात बताइए, मैं आज तक ये समझा नहीं कि इसी नंबर एक और इसी नंबर दो, अरे वो नंबर वन और ये नंबर टू क्यों नहीं है? कौन देगा? I mean, who decides this order? अरे कहाँ गया? ओए! सॉरी, हाथ कड़ी। देखा? इसको कहते हैं जब भी देता ऊपर वाला देता पॉकेट फाड़ के। और ये देख, खुल गया। खुल गया हाथ कड़ी का ताला और मेरी किस्मत का भी। ओए रुक जा। ये बाय रैम्बो। ये लो अपनी चाबी। Oh no! Let me get out!
ये मेरे साथ क्या हो गया? How could this चला मुझे चाकू दे। नहीं दूंगा। चाकू दे नहीं तो मारूंगा। मुक्का मारो। चाकू नहीं। चाकू दे। लीजिए ना। ये कौन चला रहा है? कोई लड़की है। लड़की? जंगल में? चल ली होगी। सुन, लगता है ये भी तुझे अच्छी तरह से जानती है। आपने आपने एक बात नोटिस की? क्या? आजकल जो भी मुझसे मिलता है ज्यादा खुश नहीं होता। चक्कर समझ नहीं। वो तो है। अच्छा सुनो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा पीछा कर रही है ये। शट अप! मैं यहाँ चावली के शो के लिए आई थी। कैमरामैन तो कुछ राफ्टिंग के शॉट्स ले रहे थे शो के लिए, तो मुझे स्टूपिड बोट में बिठा दिया ये कहकर कि सिर्फ मेरा क्लोजअप लेकर बाकी शॉट्स किसी एक्सपर्ट के साथ कर लेगा। सेक्सी होस्टेस। बोट की रस्सी टूट गई और मैं और बोट दोनों बह गए। एंड सी माय लक, कोई मिला तो तुम। आई वांट टू गो होम। माइंड ब्लोइंग आईडिया, फैंटास्टिक जीनियस आईडिया। आपको घर जाना है और आपको घर ले जाना है। अब आप इनको घर ले जाइए और मैं अपने रास्ते चलता हूं। सत श्री अकाल एंड गुड बाय। पता है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? बचपन में चोर पुलिस खेलते खेलते किसी ने आपको पुलिस नहीं बनने दिया होगा। हर दो मिनट में हथकड़ी, कोई तरीका है? और तेरी प्रॉब्लम यह है कि बचपन में किसी ने तुझे गोद में रखकर तेरी पिटाई नहीं की होगी। खैर चल, अभी मैं कर देता हूं। नहीं नहीं नहीं, नो थैंक यू, आप चलिए ना। अरे मैडम जी, जरा जल्दी चलिए, सूरज ढल चुका है, रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। मुझे रात को जंगल में चलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तुम्हें नहीं, शेरों को होगी। शेर? शेर की प्रॉब्लम। क्या शेर है? जंगल में शेर नहीं तो क्या, पिंक पैंथर मिलेगा आपको। डोंट वरी डार्लिंग, मेरे साथ चिपकी रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या? हाँ ये शेरों का लंगोटिया यार जो ठहरा। वो तो है। दुश्मन का तोप। तीन घंटे से बमबारी चालू है। तेरी क्या प्रॉब्लम है मुझसे पूछ? दिन को तेरी बकबक और रात को इसके खराटे, लगता पिछले जन्म के बापू की सजा मिल रही है मुझे। अरे मुझे तो मार मार कर चुप करा देते हो। प्लीज एक कसके मारो ना इसको प्लीज। अरे गुड आइडिया। क्या? ग्रेट आइडिया। आप लड़की पर हाथ उठाओगे? अरे मैं नहीं, तू मैं नहीं। अरे सुन प्यार से। अरे वाह, कभी पीटने के बजाय मुझे भी इतने प्रेम से मारा करो ना। दो प्रेम का? नहीं नहीं, प्रेम उधर। मैं ऐसे ना। जरा जोर से। जोर से? हाँ। Get on! Oh, come on!
मारता क्यों नहीं? क्या करूं? बहुत सेक्सी है ना? वो तो है। क्या? पीछे आजा, पीछे सोचते हैं। अरे मिल गया। गुलेल? ओ, छोटी गुलेल से मारोगे आप? तेरा कुछ नहीं हो सकता। इधर आ, देख। मैजिक, यू आर ग्रेट पाजी। अरे ऐसे कहते हैं सिचुएशन को हैंडल करना। फैंटास्टिक। चल 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 सोते हैं। चलो। पाजी, लगता है आपका हैंडल निकल गया। लगता है तुझे हैंडल करना पड़ेगा। नहीं। बाले, यही वो लड़की जो इस इलाके के कोने कोने से वाकिफ है। मुझे वो लड़का चाहिए जिसके पास वो नक्शा है। मैं निकला जंगल से, उसे छोड़ आया, मैं हथकड़ी खोल आया। ओह शिट। ये क्या है? हाथ। अब मुक्का। गायब? ओए। क्या करो ए बदमाश, बच्चों के साइज की होके एडल्ट्स के काम करते हो? ओह गॉड, कौन है ये लोग? ये कहाँ है? ये टिंगू प्रदेश की राजधानी लिलीपुट नगर है। लिलीपुट? अबे अबे लगेगी, क्या कर रहा है? नीचे आके मारू क्या? आओ नीचे। चुप इन नगर मिल व्याकन व्याकन व्याकन। ये तो मैडम रिया, आपको भी मिनिएचर बना के आपसे शादी करना चाहता है ये। मजाक बंद कर, तुझे कैसे मालूम ये लोग क्या बोल रहे हैं? कुछ ऐसी भाषा मेरे माँ के मायके में बोली जाती है। माँ के मायके में? हाँ। ये तो बोले हैं। और तू
मुझे ऐसे लटका लटका के लंबा किया उन्होंने। ओए ओए बदमाश। अच्छा ये देखो मुझे हैंडल करने दो। ओए मेडको हूँ मेडको हूँ। ये कौन है रे? सरदार है इनका। सरदार? हाँ सरदार। क्या ढूंढ रहा? नमस्कार पौने भैया। पहलाग पहलाग मेठू बेटा विकी रैम्बो को फंसा दे इन जंगलियों के साथ और फिर मैं निकला। यो तमनी याबे लेगाबे मयाल में काम करो चा मील मान करन तुम ही आनो मयाल में काम करा। ये बोल क्या रहा है? मयाल में काम करा है? ये घूर क्यों रहा है? देखिए इनके यहाँ एक दूसरे को ऐसे ही इज्जत देते हैं घूर घूर के। ये झूठ तो नहीं बोल रहा? मैंने कभी लाइफ में झूठ नहीं बोला। आप घूरिए घूरिए। देखिए जितनी जोर से आप घूरेंगे उतनी जल्दी मैं मेरा मतलब है हम सब यहां से निकल पाएंगे। ठीक है। ये क्या हो रहा है? खुश है सब खुश है। इनको खुशी है? हाँ पागल हो गए खुशी से। आप भी गाइए हड़ 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 हड़। ये खुल गया। थैंक यू टिंगू भाई साहब। ये लोग जा रहे हैं? अरे ये लोग कहाँ जा रहे हैं? मुझे क्यों नहीं खोल रहे? हंस क्यों रहा है? एक बात बताइए आप जब इनको बड़ी बड़ी आंखें करके घूर घूर के गुस्से से देखोगे इनके मुखिया को घूर घूर कर देखोगे तो ये क्या आपके हाथ खोलेंगे? अरे पर तूने तो मुझे कहा था ये सब करने को। हाँ मैंने ही कहा था और मैंने आपकी तरफ से इनको ये कहा था कि आप इन सब को बंदी बनाकर सर्कस ले जाना चाहते हैं इनका आइटम नंबर बनाने और मैंने ये भी कहा कि मैंने आपको रोकने की लाख कोशिश की लेकिन आप मुझे ही मारने लग गए। ऐसे ऐसे अब आप रहिए इन टिंगुओं के साथ लिलीपुट नगर में। मैं चला हास्ता ला विस्ता बेबे। अरे ये तो मेरी है। अबे अबे क्या कर रहे हो यार? ओए खोल दिया रैम्बो को। देखो वो झूठ बोल रहा है। एक एक को मारेगा मैं तो निकला है। मैं बोल रहा हूँ वो झूठ बोल रहा है। अरे झूठ बोल रहा है वो। Yeah!
ये तो लिलीपुट की लंका को जला देंगे। निकल ले भाई। ये तभी तो ये लोग इस नक्शे को पहचानते हैं। गांव के सरदार के मुताबिक हम मंजिल के बहुत करीब आ चुके हैं। इस नक्शे पर अगला पड़ाव इन्हीं के कुलदेवता का मंदिर है। यहां पहुंचने के दो तरीके हैं, एक ये रास्ता जो पहाड़ों के बीच में से जाता है, और दूसरा जो ना होने के बराबर है, ये नदी का रास्ता, क्योंकि यहां से जाना यानी कि मौत। इस नक्शे के अंत में कोई ऐसी चीज है जिसे ढूंढना मेरे पापा की जिंदगी का मकसद था। कम से कम अब तो आपको यकीन हो गया कि मैं यहां बेमतलब भटक नहीं रहा। सॉरी भैया, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। क्या आप मुझे रोकेंगे भैया अपने पापा के जीवन का मकसद पूरा करने से? जिनका मकसद तू पूरा करना चाहता है वो मेरे भी पापा थे, लेकिन मैंने मां से वादा किया है कि मैं तुझे सही सलामत घर लेकर आऊंगा। लेकिन हम पहले वहां जाएंगे जहां ये नक्शा हमें लेकर जाएगा, फिर उसके बाद तू अपनी मां के पास सीधा चलेगा। वादा? वादा। कर चुका। कसमें वादा जो कर
जिंदगी गुजर गई इसकी खोज में, आज भगवान भी रक्षा नहीं कर सका इसकी। आखिर मुझे मिल ही गया ये कवच का नक्शा। तुम लोग जिस नक्शे को लेकर घूम रहे थे वो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं बल्कि इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो सदियों से खो गया था। यह कहानी उस महान कहानी का एक छोटा सा अंश है जिसे हम महाभारत कहते हैं। इतिहास जब भी सबसे सुरमा योद्धा का नाम लेगा तो वो होगा कृष्ण के चाहते अर्जुन का। लेकिन वही इतिहास ये भी जानता है कि एक और योद्धा भी था जिसके बाणों में अर्जुन को टक्कर देने की ताकत थी, और वो योद्धा था सूर्यदेव का पुत्र करण, जो सूर्यदेव के दिए हुए कवच और कुंडल के साथ जन्मा था। ऐसे कवच और कुंडल जिनके दिव्य वरदान ने करण के बाजुओं में इतना बल भर दिया कि देवता भी उसकी ताकत के सामने कांपते थे, जिनकी शक्ति इतनी थी कि ब्रह्मांड के तीनों लोकों में ऐसा कोई अस्त्र नहीं बना था जो करण के शरीर से उसकी आत्मा को अलग कर सके। क्योंकि जब तक सूर्य देव का आशीर्वाद सूर्य की किरणें या चंद्रमा की रोशनी बनकर कवच और कुंडल को शरण दे रहा था, उनका पुत्र अमर था। सूर्य की किरणें जब युद्ध के आरंभ की घोषणा करती और उनके तेज से बल पाकर जब करण के बाजू धनुष को थामते तो उसके धनुष से निकले हुए तीर मौत बनकर बरसते। करण के इस वरदान का कहर जब पांडवों की सेना पर टूटा
तब कृष्ण को एहसास हुआ कि कर्ण की शक्ति का जवाब रणभूमि में देना असंभव था। वो जानते थे कि कर्ण दानवीर था और स्नान के बाद भिक्षा में जो कुछ भी कर्ण से मांगा जाता वो उसे देने से इनकार नहीं करता। तब कृष्ण ने भेजा इंद्रदेव को। इंद्रदेव ने रूप लिया एक ब्राह्मण का और करण से उसका कवच और कुंडल मांगा। इंद्रदेव की यह चतुराई करण ने पहचान ली, लेकिन फिर भी उस दानवीर ने उन्हें कवच और कुंडल देकर महाभारत के युद्ध की काया पलट दी। इस घटना के बाद ना ही कोई ग्रंथ ना ही कोई गाथा दोबारा कभी कवच का वर्णन करती है, परंतु कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो लिखी नहीं पुष्टों से बताई जाती हैं। और ऐसी ही एक कहानी ये थी कि स्वर्ग तक जाने से पहले इंद्रदेव ने धरती पर हिमालय के पर्वतों में एक समाधि बनाई जहां कर्ण का कवच और उसके कुंडल हमेशा के लिए रख दिए गए। बनते बनते नक्शा बना उस समाधि का जहां कर्ण के कवच और कुंडल इंद्र की हिफाजत में रखे गए। नक्शा कई हाथों से गुजरा, सदियों के लिए खो भी गया, लेकिन आज प्रोफेसर कपिल के इन दोनों बेटों की वजह से नक्शा मेरे पास आ गया है। इस एहसान के बदले मैं तुम दोनों को मौत दूंगा, क्योंकि ऐसी बेवकूफी के बाद तुम दोनों जीकर क्या करोगे। जैसा बाप वैसे बेटे, अनजाने में इंसान कैसे पुण्य कमाता है वो खुद भी नहीं जानता। बाप मर गया इस नक्शे को बचाकर, बेटे मर गए इसी नक्शे को लौटाकर। जिस नक्शे के लिए पापा ने अपनी जान दी उस नक्शे को वो हमसे छीन गया और हम कुछ नहीं कर सके भैया, कुछ नहीं। लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा भैया, नहीं छोड़ूंगा। नहीं विकी, जान हम उसकी लेंगे। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो हमसे छुप सके, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ भैया, रास्ता चाहे धरती दे, आसमान, नदी या तूफान। Thank you.
उसे आगे जाने का रास्ता मिल गया है, लेकिन कैसे? नास्ति धीहि स्वयं प्रज्ञा ज्ञानं तत्र करोति किम् विना कर्कच मसीभ्याम च लेखनी किम करक्षति। ये किसी किस्म की पहेली है। पहेली? लेकिन इसका मतलब क्या है? नास्ति धीहि स्वयं प्रज्ञा ज्ञानं तत्र करोति किम्, यानी कि बिना बुद्धि और समझ के ज्ञान का कोई मूल्य नहीं, बिना कागज और स्याही के कलम का कोई अस्तित्व नहीं होता। इन सब चीजों की प्रस्तुति से बनती है एक ऐसी गाथा जो बिना लिखे बताई नहीं जा सकती। कवच, कर्ण, महाभारत के लेखक तो महर्षि व्यास। इस मंदिर में महर्षि व्यास से जुड़ी हुई क्या चीज है जो हमें आगे का रास्ता बताए? कुछ तो है जो हम पहचान नहीं पा रहे। लिखने प्रदर्शिता, ऐसी कथा जो बिना लिखे पत। भैया भैया, सभी मानते हैं कि महाभारत की कहानी महर्षि व्यास ने लिखी थी, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कलम चलाने वाला हाथ उनका नहीं था। महर्षि व्यास ने तो सारी कहानी सुनाई थी, लिखी तो गणेश जी ने थी। गणेश जी? का एक दांत टूटा होता है ना? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये उत्तर है किस तरफ? तुम्हारे पास पेन है? हाँ। उत्तर, हमें इन पहाड़ों में से जाना होगा। सूरज ढलने वाला है, आज रात हम यही रुक जाएंगे। सूर्य की पहली किरण हमें उन पर्वत का रास्ता दिखाएगी।
किन ख्यालों में खोए हो? ख्यालों में नहीं, नशे में खोया हूं। नशा? कैसा नशा? इतने वर्षों की खोज के खत्म होने का नशा, अपने लक्ष्य के करीब होने का नशा। कल सूर्य ही सिर्फ इस दुनिया पर नहीं उदय होगा, उदय होगा एक नई शक्ति पर। नशा है उस शक्ति का, नशा है जीत का। Yeah.
अच्छा हुआ तुम दोनों बच गए। अधर्म की जीत आज पहली बार होने वाली है। बिना इस युद्ध के यह महाभारत पूरी नहीं होगी। महाभारत का युद्ध 100 से ज्यादा कौरवों को हराने के लिए लड़ा गया था। तेरे अकेले की रामायण पूरी करने के लिए महाभारत के युद्ध की जरूरत नहीं। Oh!
तो हर पत्थर पर कोई ना कोई अक्षर बना हुआ है। नहीं, ये अक्षर ठीक है। लगता है इन अक्षरों को जोड़कर कोई शब्द बनाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। कौन सा शब्द? कुरुक्षेत्र। कुंडल भी बन सकता है। कुंडल? हाँ। करण का कवच और कुंडल। कुंडल ना। भैया क्यों, क्या हुआ? ती कुंती, कुंती पुत्र, कुंती का पुत्र, करण का ये भी तो नाम था। तो पर कुंडल या कुंती पुत्र, रास्ता तो ठीक है लेकिन तरीका गलत है बेवकूफ।
यहां से कैसे? जीवन में जब भी रास्ता धुंधला नजर आए तो भगवान की उंगली थाम कर। पापा हमेशा कहा करते थे, जीवन में जब भी रास्ता धुंधला नजर आए तो भगवान की उंगली थाम कर इंसान को सही रास्ता दिखता है। के सामने तुम्हारा भगवान
भी कमजोर था और आज भी है। इसी कवच की शक्ति को बचाने के लिए तुम्हारे बाप ने अपनी जान दी थी और आज यही शक्ति तुम दोनों को मौत देगी। भगवान की शक्ति, करण की शक्ति के आगे भगवान की शक्ति तब भी प्रबल थी और आज भी है। इस वक्त इस धरती पर ना सूरज की रोशनी है ना ही चंद्रमा की, और अब ना तुझ में कोई शक्ति है और ना ही तेरे इस कवच में, और आज तेरा अंत हम दोनों के हाथों होगा।
सदियों से ऐसा ही होता आया है। इंसान जब जब अपनी हद पार करने की कोशिश करता है, विनाश होता है, विध्वंस होता है। फिर भी इंसान यह नहीं समझता कि सृष्टि जिसने बनाई है वो चाहता है कि कुछ रहस्य रहस्य ही रहें हमेशा के लिए। लेकिन इंसान है कि इतिहास और ईश्वर को बार बार चुनौती देता है, और यह सिलसिला शायद कभी रुकेगा भी नहीं। पिता के सपने की खोज से शुरू हुए एक सफर ने न सिर्फ दो भाइयों को मिलाया बल्कि उनके रिश्ते को एक नया आयाम भी दिया, और खुली एक खिड़की उस भविष्य की तरफ जिधर सिर्फ रोशनी ही रोशनी होगी। हर पल गुजरता हुआ वक्त ये भी जानता है। भैया आओ बेटा, कॉल यू लेटर। नमस्ते। नमस्ते पेरी बना। जीते रहो। नमस्ते बेटा, मैं कैसे? मेरा भाई है ना। भैया ये Check out this funky sound. Drinks, provide music for everybody to bounce to and get real drunk to, act the fool.
room and hit the floor. And रास्ते भी है सुहानी वादी भी, ख्यालों में कहीं गुम है कोई शहजादी भी। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.